जिले में आज 245 कोरोना के नए मामले सामने आए। जिला डिप्टी कमिश्नर आर वेंकटेश कुमार ने बताया कि आज यानी 21 सितंबर को रायचूर जिले में कोरोना के 245 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह रायचूर जिले में अब तक 7,407 कोरोना केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। इन्होंने बताया कि इनमें आज सेहतयाब होने वालों की तादाद 82 है, जबकि ज़िले में अब तक 5,745 कोरोना मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। जराए ने मजीद बताया कि आज 3 अफराद की कोरोना की वजह से मौत वाक़ हुई है। आज जिले से NDRF टीम को रवाना किया गया। जिले में सैलाब पर काबू पाने के लिए NDRF टीम को बुलाया गया था। गुज़िश्ता दिनों ख़राब मौसम और सैलाब की सूरत हाल में इस टीम ने काफ़ी नुमाया खिदमत अंजाम दी। आज ज़िला डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में एक विदाई इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें इस टीम को रवाना किया गया। इस मौके पर ज़िला डिप्टी कमिश्नर के अलावा एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर दुर्गेश, श्रेष्ठदार नागराज और दीगर भी मौजूद थे। गवर्नमेंट ITI में दाखिलों की तारीख में तोसी। प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI ने बताया कि ITI में दाखिलों की तारीख में तोसी अमल में लाई गई है। अब उम्मीदवार सितंबर 10 तक ITI में दाखिला हासिल करने के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में मजीद मालूमात के लिए www.emptrg.kar.nic.in पर जाकर मालूमात भी हासिल की जा सकती है। रायचूर में जल्द ही मेडिकल पार्क कायम किया जाएगा। वजीर सनत जगदीश शेट्टर ने बताया कि रायचूर में जल्द ही मेडिकल फार्मा पार्क कायम किया जाएगा। इस सिलसिले में इन्होंने कहा कि वो जल्द ही सिलसिले में वजीर आजम से मुलाकात करेंगे और उन्हें यहां पर मेडिकल पार्क कायम करने के का प्रपोजल पेश करेंगे। मौसूफ आज रायचूर में दौरा कर रहे थे। इन्होंने अपने इस दौरे में राइस मिलर्स एसोसिएशन को भी तहखुन दिया कि वो उनके मसाइल और दीगर सनतों के मसाइल की एक्सोई भी करेंगे। व्हाट्सएप पर पोस्ट डालने के जिम्मन में अनुखला उर्दू टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। जराए ने बताया कि अनुखला HPS के उर्दू टीचर उर्दू क्लस्टर नामी व्हाट्सएप ग्रुप में एक व्हाट्सएप पोस्ट डालने की वजह से उन्हें DDPI गोनाल ने सस्पेंड किया। उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो मुखालिफ और मजहबी जुनून की पोस्ट इसमें शेयर कर रही। इसको जब हमने देखा तो उसमें सिर्फ इतना था, अपनी मादरी जबान को बचाने का एक मौका है। इसके साथ साथ मोहम्मद समीउल्लाह नामी एक राइटर का एक पाम्फलेट भी इन्होंने शेयर किया था, जो कि उन्होंने फॉरवर्ड किया था। इस पर किसी संतोष नामी शख्स ने उनके खिलाफ कंप्लेंट की। इस कंप्लेंट के बाद DDPI ने उन्हें सस्पेंड किया।